एयर इंडिया बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट सैन फ्रांसिस्को में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। इस फ्लाइट में एक यात्री को अपने खाने में ब्लेड मिला। बता दें कि यह घटना 9 जून की है। हालांकि मामला सामने आने के बाद एयर इंडिया ने अपनी गलती मानी। उनका कहना है कि ब्लेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट का है। घटना के बाद अपने खाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी और लिखा था, एयर इंडिया का खाना चाकू की तरह काट सकता है और इसके भुने हुए शकरकंद और अंजीर की चाट में एक ब्लेड का टुकड़ा था। खाने के साथ ये मुंह में गया तो उसको पता चला, शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने आगे लिखा कि इस घटना ने एक ब्रांड के रूप में एयर इंडिया की छवि काफी खराब की है। हालांकि वह सुरक्षित है, लेकिन अगर यह भोजन किसी बच्चे के पास जाता तो उसके साथ मेडिकल इमरजेंसी हो सकती थी। हालांकि एयर इंडिया ने इस पोल का तुरंत जवाब देते हुए माफी मांगी और उन्हें आश्वासन दिया कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एयर इंडिया ने जवाब देते हुए कहा कि प्रिय पोल, हमें इस बारे में जानकर खेद है। यह उस स्तर की सेवा नहीं है जिसे हम अपने यात्रियों को प्रदान करना चाहते हैं। कृपया हमें अपनी बुकिंग जानकारी और सीट नंबर के साथ डीएम करें। हम सुनिश्चित करेंगे कि इस मामले की तुरंत समीक्षा करके उसका समाधान किया जाए। वहीं इस मामले में एयर इंडिया के कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफिसर राजेश डोगरा ने इस मामले में कहा, एयर इंडिया इस बात की पुष्टि करता है कि हमारी एक फ्लाइट में सवार एक पैसेंजर के खाने में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट मिला था। जांच के बाद यह पता चला कि हमारे कैटरिंग पार्टनर के प्लांट से सब्जी प्रोसेसिंग मशीन से आई थी। हमने अपने पार्टनर को सख्त मैसेज दिया है ताकि आगे से ऐसी घटना ना हो। एयर इंडिया ने उस ग्राहक से संपर्क कर इस घटना पर खेद व्यक्त किया है।